हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दानिश रजा और आप देख रहे हो नॉलेज विद दानिश। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे किरदार की हकीकत बताऊंगा जो दुनिया में बहुत मशहूर हुआ और इसे तकरीबन बहुत से दुनिया के इंसान पसंद करते हैं। आज मैं जिस शख्स की बात करूंगा वो है मिस्टर बीन। तो आइए दोस्तों, टॉपिक का आगाज करते हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से कबल हमारी आपसे दरख्वास्त है कि नए आने वाले साथी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिस्टर बीन की ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बताऊंगा कि वो कैसे कॉमेडी किंग बना और कहां से मशहूर हुआ और इसकी ज़िंदगी की तारीख क्या है और इन्हें मिस्टर बीन क्यों कहते हैं और इनका असली नाम क्या है। मिस्टर बीन का असली नाम रोवन सिबास्टियन एटकिंसन है। रोवन एटकिंसन को पूरी दुनिया मिस्टर बीन के नाम से जानती है। मिस्टर बीन 6 जनवरी 1955 को इंग्लैंड में पैदा हुआ। इनके दोस्त और घर वाले इनको रोवन एटकिंसन के नाम से पुकारते थे। रोवन के पैदाइश से पहले इनके बाप ने एक फार्म हाउस खरीदा था और वो वहाँ बस गए। रोवन से पहले दो भाई रॉबर्ट और रडनी भी हैं। 4 साल की एज में रोवन के वालिद ने इन्हें धर्म कोरिस्टर्स स्कूल में एडमिशन करवाई और फिर रोवन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। दौरान तालीम रोवन ने कई बुक्स भी लिखी जो उनका शौक था। फिर उनकी मुलाकात एक राइटर से हुई, बल्कि उनके ये बुक शाया करने पर ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड और फिर बीबीसी पर्सनालिटी अवार्ड ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया। रोवन अपनी इंग्लैंड में बढ़ती हुई शोहरत से बहुत मुतासर हुए और जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि वो फिल्मी दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे और अपने हुनर का लोहा बनवाएंगे। यहाँ से रोवन की फिल्मी दुनिया में शुरुआत हुई और वो चंद बेहतरीन मूवीज़ में नज़र आए। रोवन का सबसे शाहकार रोल मिस्टर बीन में है। एक अरसा तक रोवन टीवी सीरियल में मिस्टर बीन का एक ज़बरदस्त किरदार अदा करते रहे। एक अरसा तक पूरी दुनिया को अपनी पसंदगी की आसार लिए रखा और तफरी का भरपूर सामान पैदा किया। रोवन के बारे में बताया जाता है कि स्कूल के अरसे में इनके हम जमात और इनके अच्छे दोस्तों में से टोनी ब्लेयर थे। टोनी ब्लेयर इंग्लैंड के मशहूर लीडर और वजीर आजम भी रह चुके हैं। रोवन सुपर कार्स के भी बहुत ही शौकीन हैं और वो आस्टन मार्टिन V8 जिगेटो, आडी V8, रॉयल्स राइज गाड़ी के मालिक हैं। रोवन जेम्स बॉन्ड के एक मदा भी थे और इसी वजह से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जेम्स बॉन्ड की मूवीज से की और अपने करियर के आगाज़ में बीबीसी के स्केचेस में भी नज़र आते रहे और इनकी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। रोवन यानि मिस्टर बीन अपनी सुपर कार में 2 बार हादसा का शिकार हुए हैं। पहले हादसे में इंश्योरेंस ना होने की वजह से उसे अपनी कार खुद मरम्मत करवानी पड़ी, जबकि दूसरे हादसे में इनको एक इंश्योरेंस कंपनी ने 1 मिलियन पाउंड अदा किए। मिस्टर बीन अपनी अदाकारी की वजह से दुनिया भर में बेशुमार लोगों के चेहरों पर मुस्कराहट फेरते रहे। अगर ये कहा जाए कि मिस्टर बीन बेस्ट कॉमेडियन है तो ये गलत नहीं होगा। इन्होंने अपनी करियर में खूब पैसा कमाया। आज इनकी दौलत 30,000 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हर रोज़ लाते रहते हैं। हमारी अगली वीडियो आने तक
मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।